लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो स्तर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, और यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग जो चिंतक है, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। सबसे पहला जो टीचिंग का स्तर माना गया है वह माना गया है दोस्तों मेमोरी लेवल, यानी कि जब बेसिक, यानी कि जब बहुत ही एक सामान्य लेवल पर एक छोटी क्लास के बालक को जब पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, और तब स्मृति स्तर पर उसका शिक्षण हो रहा होता है, यानी कि टीचिंग का जो फर्स्ट लेवल है उसको दोस्तों हम कहते हैं, यहाँ पर हम उसको कहते हैं स्मृति स्तर, यानी कि वह मेमोरी लेवल पर आकर के हम अपना जो लर्निंग है उसको बालकों को करवाता है। यानी कि टीचिंग का जो बेसिक लेवल होता है वह होता है मेमोरी लेवल। इस स्तर पर बालक को जो भी कुछ सिखाया जाता है बालक उसे अपने स्मृति स्तर पर ग्रहण करता है। यह जो कंसेप्ट है, ये जो लेवल है, ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। उसने बताया कि सबसे पहले बालक को जो भी कुछ सिखाया जाता है वह उसकी याददाश्त का निर्माण करता है, वह उसकी मेमोरी में जाकर के, याददाश्त में जाकर के, स्मृति में जाकर के इकट्ठा होता है, बालक स्मृति को ग्रहण करता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज अवबोध का स्तर। अवबोध का मतलब है बालक अब समझने लगता है, जो भी चीजें उसकी मेमोरी में पड़ी हुई हैं, जो भी चीजें उसने अब तक सीखी हैं, उसके आधार पर वो अपना बोध विकसित करने लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करने लगता है। एक एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं कि बालक ने सबसे पहले किसी एक जानवर को देखा जिसके चार पैर हैं, एक पूंछ है, और वो कुछ आवाज निकालता है, तो उसको हमने बताया कि देखो बेटे यह एक कुत्ता है। तो बालक ने देख लिया कि कुत्ता एक जानवर होता है, उसके एक पूंछ होती है, चार पैर होते हैं, और वो गली में, सड़क पर, घरों में दिखा जाता है। अब उसने उसी के जैसा एक दूसरा जानवर देखा, उसने बिल्ली को देखा, तो वो भी बोलेगा कि देखो ये अलग तरह का कुत्ता है। अगर उसने बकरी को देखा तो उसके जो सिंग दिखाई, तो वो कहेगा ये सिंग वाला कुत्ता है। यानी कि जो बालक है वे अपनी मेमोरी के आधार पर अब नया बोध बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब उसे हम आगे समझाएंगे, जब उसे आगे ज्ञान होगा, तो वो कुत्ते में, बिल्ली में, बकरी में, अन्य जानवरों में, आसपास दिखाई देने वाली चीजों में अंतर करना सीखेगा। इसी स्तर को कहा जाता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि बालकों को जो यहां पर शिक्षण दिया जाता है वह इनके अवबोध स्तर का शिक्षण होता है, और इस अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को बताने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों मॉरिसन। मॉरिसन ने बालकों के टीचिंग के अवबोध स्तर पर काम किया, और उन्होंने बताया कि जब बालक आगे धीरे धीरे बालक का विकास होता है, आगे की जब वो कक्षाओं में बढ़ता है, उसकी मेमोरी में जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तब उनका वो क्लासिफिकेशन करता है, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने के बाद में अपने बोध का निर्धारण करता है कि कुत्ता जो होता है उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर स्कीमा बन जाता है, एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट हो जाती है कि कुत्ता इस तरह का होता है, बिल्ली इस तरह की होती है, और अन्य जानवर जो भी हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। और जो सबसे उच्च स्तर का हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो टीचिंग है, वह है दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि चिंतन स्तर। जब बालक चीजों का बोध कर चुका होता है, चीजों को समझ चुका होता है, अब वो सीखना शुरू करता है चिंतन के लेवल पर, यानी कि जो टीचिंग का है स्तर ये चिंतन लेवल का होता है। यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसी तरह की जो अन्य मेथड्स हैं, उन मेथड्स से बालक को टीचिंग कराई जाती है, और ये आने वाली जो उच्च कक्षाएं होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब बालक के अंदर समस्या समाधान की योग्यता विकसित करनी होती है, जब बालक को नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार से समायोजन किया जाता है यह सिखाना होता है, तब बालक को चिंतन स्तर का शिक्षण करवाया जाता है। और यह स्वतः ही, सबसे ऐसा नहीं है कि बालक सीधे ही चिंतन स्तर पर, रिफ्लेक्टिव स्टेज पर पहुंच जाएगा, नहीं, सबसे पहले कोई भी बालक है वो स्मृति स्तर पर अपना लर्निंग को शुरू करेगा, और उसके बाद के उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का लेवल आएगा, तब कहीं जाकर के वो चिंतन स्तर पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्तर पर, रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच पाएगा। तो ये तीन, रिफ्लेक्टिव लेवल जो था वो हंट के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग के तीन लेवल बताए गए हैं। सबसे जो पहला स्तर है वह है मेमोरी लेवल, दूसरा जो लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतन का स्तर। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि इन स्तरों पर किसने काम किया, या फिर कह सकते हैं कि इन स्तरों को किसने प्रकट किया, कौन ने इनको दिया। तो सबसे पहले जो मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया, और रिफ्लेक्टिव जो लेवल है वो हंट के द्वारा दिया गया।